जाने वाले इंडियन बाइक्स ड्राइव थ्री से सीधे GTA 5 के मेले के अंदर, और वहां पर जाकर हम चलाएंगे रोलर कोस्टर्स, ट्रेन और बहुत सारे मजे करने वाले। तो आप लोगों को नहीं पता हम कैसे जाएंगे, तो आप वीडियो को देखो आपको पता चल जाएगा। और जो लोग पिछले हमारे व्यूवर्स है, जो कि हमारे ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स से पिछले वीडियोस देखते रहते, उनको तो पता होगा हम माइकल के घर पर जा चुके, ट्रेवर के घर पर, फ्रैंकलिन के घर पर, इसी टाइप से। तो आपको जाना है तो वीडियोस चेकआउट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी अमेजिंग आने वाली वीडियोस के लिए। तो ओके, यहां पर एक कुछ प्राणी रहता है, यानी कि एक मनुष्य रहता है, तो वो अपनी हेल्प करेगा वहां पर जाने के लिए। तो वो कैसे हेल्प करेगा अभी वो तो उससे पूछना पड़ेगा, तो मेरे को अभी उसको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो किधर है, तो यहीं पर वो रहता है, इधर उधर मुंह मारते रहता है, तो यहीं पर रहना चाहिए। तो ओके गाइस, यहां पर मेरे को मिल चुका है वो बंदा जो कि आप सामने देख रहे हो। तो यही है वो बंदा, पूरा सूट वो टाई वाई लगाकर इधर उधर घूमता रहता है, जो कि दिखने में स्मार्ट लगता है, लेकिन है एक नंबर का ओवल स्मार्ट। यस, बेवकूफ नहीं है ये। तो चलो अभी इससे मैं बात करता हूँ। अरे भाई, क्या हाल है? ओए, हाल तो अच्छे है, लेकिन अच्छे ही तो नहीं है, बस अच्छे होने के ख्याल है। अबे क्या बस तू ये बस अभी शायरी वाई मत कर, मेरे को थोड़ा कुछ काम था। काम से ही आते हैं लोग, ऐसे तो कोई नाम भी नहीं पूछता है। अबे साले, अब इसके लिए क्या ही बोलूं मैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला चाहिए। अबे खींच कर रेपटा पड़े है, तेरी टाई और सारे सूट बूट यहीं पर गिर जाएंगे। अच्छा बेटा, किधर जाना एक बार बोलना तुम। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, वो मेरे को कहीं पर जाना था, वैसे मैं तो ऐसे बोल रहा है, ऐसे मुंह से निकल जाता है ब्रो। लाइन पर लाना आता है मेरे को बेटा। अरे हाँ, वो तो मैं पहले से लाइन पर ही था। चल, मेरे को थोड़ा काम था, मेरे को GTA 5 के मेले में जाना है। अच्छा ओके, तेरे को जाने के लिए बस कुछ ज्यादा नहीं, तेरे को ये चीज करनी, तू जाना मेगा रैंप पर, वहां पर तेरे को साइकिल लेनी, साइकिल तेरे को उड़ानी है, सेकंड रैंप पर कूदानी है, और वहां से तेरे को उड़ते जाना है, पंछी बनो उड़ती फिर वैसे, और सीधा नीचे जो फिनिश लाइन होती है, यानी कि जहां पर हम रुक सकते हैं, मेगा रैंप की एंडिंग तक जाना है, उड़ते हुए जाना है, ध्यान रखना। भाई ये कुछ ज्यादा ही हार्ड चैलेंज मेरे को लग रहा है सच में। तो ओके गाइस, अभी मैं यहाँ पर मेकर रैंप पर आ चुका हूँ, और आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा वो सीन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फुल रेडी हो चुका हूँ, ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर पहन लेते हेलमेट वगैरह, और मैं अभी प्रॉपर रेडी हूँ जाने के लिए। तो आप लोग सोच रहे हो ये कैसे, क्या बंदा है, क्या करने क्या वाला है, तो रुको मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये फर्स्ट रैंप है, यानी कि ये मेकर रैंप है, और यहाँ पर आप देखो ये कूदाने का, यहाँ पर हम जंप नहीं लगाएंगे, और इसके नीचे एक और जंप करने का आता है, वहां से अपने को जंप लगाना है, और सीधा जंप करते ही उड़ते उड़ते ही जाना है, और नीचे जो अपनी फिनिशिंग लाइन होती है, यानी कि ये रैंप जहां पर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां तक कट कर देना प्लीज, वहां तक अपने को उड़कर ही जाना है, यानी कि चलकर नहीं जाना, साइकिल चलाकर नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, पूरी ट्राई करूँ एंड मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे भाई, पहला ट्राई तो बेकार था, अभी ट्राई आ चुका है ट्रायल नंबर 2, एंड इसमें मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, इस बार मैं 100% कर सकता हूँ, कर तो दूंगा नहीं पता नहीं, वो तो अभी आप देखना मैं करता हूँ या फिर नहीं। अगर मैं नहीं करूंगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं करता हूँ तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ओपी वाली पावर, आपको पता नहीं है मैं कितना ज्यादा नूब नहीं हूं, प्रो हूं। जो आप देख रहे हो सामने ये रैंप, जो भी इसको बोलो उड़ने वाली चीज, तो यहाँ पर अपने को कूदना है कुछ इस टाइप से, एंड सच में ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया तरीके से कूदा है भाई, लेकिन एंड तक जाना है अपने को, और हम जा रहे क्या मैं जा पा रहा हूं, ओके ये देख लो भाई, और बचना भी मेरे को मर नहीं, ओके मरा भी नहीं। तो गाइस यही तो चैलेंज था, अभी आप देख सकते हैं हम मरे भी नहीं, गाड़ी में अपनी सब कुछ सेफ है, और अपने को एंड तक आगे उड़कर आए हम, यानी कि गाड़ी को हम मतलब गाड़ी तो क्या थी, साइकिल थी, उसको चला कर नहीं लाए, उड़कर आए। तो ये चैलेंज था, और आप देख सकते हम यहां तक गिरे हैं, एंड अपने को लगभग मैक्स टू मैक्स यहां पर ये एंडिंग आप देख सकते, यहां तक आना था सिर्फ उड़कर, और हम और भी आगे आ चुके थे। तो यहाँ पर चैलेंज हमने कर लिया कंप्लीट, एंड अभी अपने को मिल जाएगा ऑप्शन GTA 5 के मेले में जाने का, और उसको ओरिजिनल में मेला बोलते हैं क्या पता, वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बंदा किधर भाई, अभी उसको बता दो, उसको लग रहा था मैं नूब हूं, अखंड नूब हूं, लेकिन ये लो भाई साहब, अबे रुक जा, किधर जा, किधर रुको, अपनी R15 कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, कंट्रोल में भी नहीं होती भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी बाइक है, क्या ही करे, क्या मतलब कंट्रोल कर दिया गेम के। तो ओके गाइस, अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और देखा सर कैसे उड़ा दी बाइक को। अबे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो 2 साल का बच्चा भी कर सकता है। चल ठीक है, ये ले मोबाइल में ऑप्शन दे दिया, अब ज्यादा सवाल जवाब मत करना, नहीं तो यहीं पर घेर कर मारूंगा, चल चला जा, अब एक भी शब्द मत बोल लेना, निकल पहले फुर्सत में, समझ गया। तो ओके गाइस, अभी मैं यहाँ पर निकालता हूँ मोबाइल, एंड क्या ऑप्शन, यस आ चुका है।
तो लेट्स गो टू सीधे के सीधे मेले में। ओके गाइस, यहाँ पर हम आ चुके GT5 के अंदर और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मैं पता नहीं कहाँ पर स्टक हो रखा हूँ। वेट, ओके, यहाँ पर देख सकते हो हम बैठे बेंच के ऊपर और यहाँ पर अभी अपने को बैठने का टाइम नहीं है। लेकिन हर बार आपने देखो अपने पास बाइक रहती है, लेकिन यहाँ पर बाइक को गियर कर ये नाच रहे भाई। अभी ये क्या चल रहा है, रुको एक मिनट भाई। अरे अच्छे से नाच ब्रो, अभी अपने को भी इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ाने, 1 मिलियन लाइक तो यूं ही आ जाएंगे। ये सॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है। अले अले, मैं तो मस्त नाच रहा हूँ। अरे ये बुड्ढे भाई साहब सही नहीं नाच रहे, अच्छे से नाचो। अरे अलग ही प्राणी है भाई ये लोग, देखो भाई इस टाइम ने इनको और भी कुछ नहीं मिल रहा, इनको यहाँ पर इंस्टाग्राम के रील बनाए। देखो भाई ऐसे बनाते रील, देख रहा है भाई का जोश दिखाएगा अपना साले छपरी टिकटोकर। अबे किसको बोला टिकटोकर, नहीं यूट्यूबर हूँ मैं। अच्छा साले छपरी यूट्यूबर, अबे रुक जा तू बहुत ज्यादा बोल रहा है साले तेरी। अबे भाई ये बहुत जोर से मारा बच्चा, कोई तो रुको। अभी ये ले, क्या लगता है तेरे को ऐसी हार मानने को, रुक जा बेटा अभी लास्ट गुस्सा एंड ये लो खत्म नहीं हुआ। अबे मर जाना, कितनी हेल्थ, ओके मर गया भाई। इस बात पर इसको बहुत जोर से मैं कूटने वाला हूँ, आप लाइक तो नहीं करने वाला मेरे को पता है, लेकिन बहुत से लोगों ने कर दिया और इसका भेजा हमने फ्राई कर दिया। तो चलो गाइस BMW 1000 फिर से उड़ गया भाई, कितनी हेल्थ है इसकी, मरता क्यों, मर जा साले। ओके इस बार तो गया फाइनली। सो अभी आप वीडियो को लाइक, भाई फिर से उड़ गया अबे भाई, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और चलो जल्दी से यहाँ से निकल लेते पहली फुर्सत में, इससे पहले वो अपने को कूट दे। तो ओके मैं यहाँ से सीढ़ियों से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर अपने पास से BMW 1000 RR RRR 456 पता नहीं क्या ही इसका नाम है, लेकिन BMW तो है। एंड यहाँ पर ये देखो डेल पेरो पायर लॉस संतोस, नहीं लॉस सेंटोस डेल पेरो पायर, तो ये कुछ इस प्रकार का इसका नाम है। यहाँ पर हम आ चुके हैं जिसको कुछ भी पेरो पायर नहीं बोलने वाला, ये हम बोलेंगे मेला। यस तो मेले में हम आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी तबाही मचा देते। यस सब हट जाओ भाई, अभी सबको उड़ाने वाला नहीं हूँ मैं भाई, क्या ही प्रो वाली ड्राइविंग। तो भाई अपने अखंड प्रो है भाई, इससे थोड़ी अभी नहीं, नहीं बच गया भाई, अभी सीधा पानी के अंदर जाने वाला था और यहाँ पर अपना काम खत्म हो जाता सीधे आते ही। लेकिन भाई हमें हेवी ड्राइवर, तो उससे हम स्टंट ना करा रहे मैडम जी, क्या दिखता नहीं क्या भाई। एंड देखो गाइस ये है मेन चीज, यहीं पर अपने को आना था। तो ये है लॉस सेंटोस डेल पेरो पायर, जो कि हम मेला बोलने वाले हैं भाई, कुछ भी पेरो पायर नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम घूमेंगे पूरा, इसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड गाइस यहाँ पर आप देखो ये है पर इसको अपने शुद्ध हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मेरे को कॉमेंट में बताना, ये क्या बोलते हैं। अभी मेरे को इसका नाम याद आ रहा था इंग्लिश वाला, और हिंदी में बताऊंगा तो आप क्या पता यहाँ पर अलग ही समझ लो, इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो ये है रोलर कोस्टर, यस याद है वो पीछे वाला, और ये है यहाँ पर ट्रेन की सवारी अपनी पूरी शुद्ध हिंदी वाली। तो चलो अभी मैं इसके अंदर बैठता हूँ और यहाँ पर शेयर करते हैं हम ट्रेन की, देखते किस टाइप का यहाँ पर रहने वाला है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ अन्याय हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो हम आ चुके ट्रेन के अंदर बैठ चुके, लेकिन ये FPP व्यू में चल रहा है। ओके एंड देख लो भाई इतनी ज्यादा स्लो, भाई इससे ज्यादा स्लो तो मैं पैदल भी नहीं चलता हूँ, पैदल भी मैं दौड़कर चलता हूँ। अरे भाई ये कुछ ज्यादा अचानक से स्पीड बढ़ा दी भाई, उछलाई लगता है वहां पर उस ट्रेन कंट्रोलर वाले ने सुन लिया भाई, अभी लगता है इस कैरेक्टर की फटकर हाथ में आगे होगी। अपने को देखना होगा, क्या पता इसकी पेंट वेंट गीली ना मिले अपने को बस आगे जाकर। और भाई कुछ ज्यादा इस जोर में चल रही भाई ये ट्रेन, सच में भाई मेरे को लगा कुछ नमूने जैसी चीज होगी, लेकिन सच में कुछ ज्यादा ही फास्ट है भाई ये। और भाई बच बस भाई, मजा आ गया भाई इसमें बैठने के बाद, तो अभी उतर जा भाई, किधर है अभी उतरता क्यों नहीं, लगता है मर तो नहीं गया। ओके बच गए हम, वैसे देखना पड़ेगा पेंट वेंट अपनी। ओके पीछे से तो सही है, ओके सब कुछ प्रॉपर सही लग रहा है। तो चलो गाइस अभी हम यहाँ पर बैठ चुके हैं, अभी बारी रोलर कोस्टर के अंदर बैठने की, लेट्स गो। ओके गाइस अभी हम बैठ चुके हैं रोलर कोस्टर के अंदर और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चल रहा है वैसे, अबे ये कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा भाई, अबे इससे ज्यादा स्लो तो अब क्या ही बोलूं मैं, इससे ज्यादा स्लो तो मेरा इंटरनेट भी नहीं चलता, नहीं वो बहुत जोर से स्लो चलता है भाई, 1 KB/s से चलता है। और यहाँ पर ये इतना ज्यादा स्लो क्यों चल रहा है भाई, ऐसे में तो लगता है 7 जन्मों के बाद हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर पाएंगे। वैसे गाइस यही था गेम प्ले। एंड गाइस सबसे बड़ी चीज, जो भी लोग ये देख रहे और जो लोग सोच रहे हम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D से सीधा GT5 में आ जाए वो भी एक क्लिक में, तो ये न कभी पॉसिबल था न ही पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मैंने बनाया है, तो आप जस्ट इंजॉय करो इसको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।